नमस्कार विशेष आलोचना मत को स्वागत करमयी मतरे आज विषयवस्तुर आलोचना रही बहिष्कार गर्जन एथपाय आम कौ ममिता न्याय देवा घटना गोटे मसर ऊर्ध समय है विरोधी माने प्रतिवाद करुछंति विक्षोभ करुछंति साधारण जनता मध्य विरोधी आंदोलन में सामिल होती एवं गोटे प्रश्न समस्त जे ममिता को केबे न्याय मिले तदंत ठीक चली ना एमती अनेक किछि प्रसंग रही जो प्रसंग रे विरोधी वर्तमान राज्य सरकार को घेरुंट किंतु कथा हूँ जो विरोधी माने वर्तमान प्रतिवाद करुछंती एवं सरकार को विक्षोभ सरकार को नीति बा कार्यशैली को लेकिन प्रश्न उठाउछंती से माने आक्रोश रो शिकार होउछंती से मानको पर आक्रमण होउछि आ केउ माने आक्रमण करुछंती ना ये पुलिस प्रशासन आक्रमण करुछि आ से तो बिजेडी कर्मी माने आक्रमण करुछंती आ ये पुलिस रो पुलिस उपस्थित रे पुलिस जत उपस्थित रही पुलिस स्थान अच्छी किंतु बीजेडी कर्मी आक्रमण करुछंती विरोधी उपरे ये चित्र बारंबार राज्य रे सामना को आसुची आउ जो परिप्रेक्षी आज युवा कांग्रेस बाहर नवीन निवास घेराव करने ये नवीन निवास घेराव करने समय आज पुलिस एवं युवा कांग्रेस भितर एक धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होता अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होता जो कि युवा कांग्रेस टमाटो माड़ कर पुलिस प्रशासन को चित्र आसी पहुँचुचे ए बाबर लगातार भाव आम आपको देखा पूर्व बुलेटिन में चित्र देखाऊ जे कांग्रेस जो कर्मी मैंने रही युवकर्मी मैंने गोटे दाबी जे ममिता को न्याय मिलिबो एवं मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र पदवीरु इस्तफा दियंतु ए बाबद अधिक आलोचना करिबा संतोष सेठारे लगातार भाव में उपस्थित अछंति रोशन मध्य अछंति दुई जण जक हमको पूरा लाइव अपडेट दे आसुछंति रोशन को पाख को फेरिबा रोशन वर्तमान कोन अपडेट आसुछि देखो चिन्मय गोटे कथा दुईट अभियोग सामना को गोटे होची जो भाव में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ठीक भाव में होनी जो बारंबार अभियोग होते विरोधी अभियोग कर ममिता परिवार लोक अभियोग आणुंजे गृहराष्ट्र मंत्री ए पूरा क्राइम क्योंठ ना के संपर्क रही रायपुर लिंक कथा सामना को आंटी तदंत ठीक भाव में होनी जो सब प्रसंग को एड़े दिजाप चेष्टा करपटे जदि आम देखिए आप लास्ट किसी दिन है देखुए बारंबार राज्यर सब स्थान मंत्री मान को विरोध करा कला पता देखा अंडामाड़ करा स्थिति रे जिते जो कांग्रेस कर्मी माने अंडामाड़ कर विरोध प्रदर्शन करते पुलिस प्रेजेन्स बीजेडी कर्मी माने आक्रमण करुवा अभियोग होती पुलिस किसी कार्यानुष्ठान बारंबार कांग्रेस अभियोग कर दुईट घटना को नहीं आज कांग्रेस छात्र कांग्रेस पक्ष नवीन नवास घेरा उद्यम कर नवीन नवास आगे टमाटो माड़ तीस रु अधिक छात्र कांग्रेस कर्मी गिरफ्तार वर्तमान छात्र कांग्रेस कर्मी मैंने डीजी ऑफिस घेरो करछंती डीजी ऑफिस सामनार चित्र आप देखि पार्थे पूरा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि डीजी ऑफिस बाहर स्पेशल फोर्स मुतयन होती सब डीजी ऑफिस को सब एंट्री एग्जिट गेट को बंद कर दिया जाइछि एवं स्पेशल पुलिस फोर्स मुतयन होती तेणु ताकु आखि आगे रखी जितेबाला डीजी को साक्षात करने कांग्रेस कर्मी मैंने जाते पुलिस अटकई से रास्ता उपरे कांग्रेस कर्मी मैंने वर्तमान धारणा में बस पड़ते छात्र कांग्रेस कर्मी मैंने तार चित्र आप देखि पार्थे जो शताधिक कर्मी विधायक सुरेश कुमार राउतराय मध्य अच्छा छात्र कांग्रेस सभापति मध्य अच्छा छात्र कांग्रेस अन्य कर्मी मैंने अच्छा समस्ते वर्तमान मुख्य रास्ता जो डीजी ऑफिस सामनार डीजी कैंप ऑफिस सामनार मुख्य रास्ता से सबुरे वर्तमान समस्ते धारणा बस तेणु क्योंठिना के प्रसंग राज्य में जिते सरकार आप देखिपे जो भाव में बीजेडी पक्ष बारंबार सांबादिक सम्मेलन करसंग को एड़ाइवा चेष्टा कर स्पष्टीकरण दि जाऊँगी मंत्री कौन संपर्क ना एवं विरोधी बारंबार जो आक्षेप करा भूल बोली किंतु क्योंठिना के जो निया ममिता हत्याकांड घटनार निया धीरे धीरे सारा राज्य में बेसी जोर में व्यापार लगी सारा राज्य में मंत्री मानू सबु मंत्री को विरोध प्रदर्शन सामना करने पड़ी आज हूँ ये राजधानी चित्र जो छात्र कांग्रेस कर्मी मैंने प्रथम नवीन नवास घेराव करते नवीन नवास में धसई पशाप उद्यम करते कि छात्र कांग्रेस कर्मी को गिरफ्तार आउतापुर डीजी कैंप ऑफिस घेराव कर जार मुख्य प्रसंग दुईट दाबी रोचे जो भाव में उत्तरांचल डीआईजी तदंत प्रोसीजर करा संपूर्ण भाव में भूल तदंत बाटबणा हो तेणु उत्तरांचल डीआईजी विरोध में कार्यानुष्ठान एवं अंपटे हूँ पूरा घटनार सठिक भाव में तदंत करा जो परिस्थिति में छात्र कांग्रेस कर्मी मान आक्रमण हो भाव में पुलिस प्रेजेन्स आक्रमण हो कांग्रेस अभियोग कर सठिक भाव में तदंत कर जो पुलिस मानकर उपस्थित रही विरोध में कार्यानुष्ठान एवं जो बीजेडी कर्मी माने आक्रमण करछन्ति बोली अभियोग होची तांकू गिरफ्तार करा जाऊ।
निश्चित भाव में रोशन वर्तमान राज्य अशांत है जार चित्र बारंबार सामना को आसुची किंतु सरकार को आखिरे ए सब दृष्टि पड़ूनी परवर्ती समय रोशन फेर भी आलोचना करवा संतोष को पाख को जवाई चाहिए संतोष कथा जे आज डीजी ऑफिस युव कांग्रेस घेराव कर यार भितर कथा देखु उत्तरांचल डीआईजी मझेरे आसवा जो मंत्य दवा ताकू नहीं कि बर्तमान समस्ते प्रश्न कर देखु निश्चित भाव चिन्मयी तरबरिया भाव में तदंत ता सहित जे प्रश्न उठवा बेले डीआईजी बिना कौन कारण प्रेसमिट करवा ममता प्रसंगे आउ कह संबंध नथवा कथा क्लीन चिट दबा ए प्रसंगे विरोधी माने एबे उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार को टार्गेट करिसेंती एवं विशेष भाव में डीआईजी ही ए सब घटनार मास्टर माइंड बोली कहुच्छे अंपटे जितेबाड़े स्मार्ट हेल्थ कार्ड काढ़ बांटापी मुख्यमंत्री गोटे पर गोटे जिला गस्त करती समर्थन में विजु जनता दल कर्मी नेता बाहर विरोध में उभय बीजेपी कांग्रेस छात्र जुव महिला नेता और कर्मी मैंने बाहर किंतु गोटे कथा देखा मिलला जोटि पुलिस उपस्थिति में विजु जनता दल कर्मी नेता मैंने क्योंठ कांग्रेस कर्मी तो आउ क्यों बीजेपी कर्मी को माड़ मारे आ सबुठ बड़ कथा है ना आज पर्यंत कौन एफआईआर लॉन्च है ना कौन मामला रुजुला ना क्या उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा प्रतिवाद रे किभली भाव में आप देखुं वर्तमान समय डीजीपी कैंप ऑफिस आगे जो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी कैंप ऑफिस अच्छी से स्थान कौली भाव में वर्तमान समय कांग्रेस आंदोलन कर सीधा सड़क सत्यप्रकाश नायक आम सहित जोड़ी तक प्रतिक्रिया ना सर उत्तरांचल डीआईजी प्रेसमिट निकट में उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार प्रेसमिट ता आधार कौन थी कौन आप जानपारे प्रेसमिट करवा कहारी संबंध ना कथा आम मत आश्चर्य जे सी एनआईए रे कार्य करिसंती एनआईए रे एटा हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक हाई लेवल कमिटी इनक्वायरी करने कथा कले ना जितेबाला पूरा घटना किसी है ना मैटर इज सब जुडिस आपण को किए मागे क्लीन चिट आप तदंत कम्प्लीट कले कि आपणकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ ये गोटे अलग कथ कौन राज्यर शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष कौन कि हॉस्टल गुड़िक लाइसेंस न अर्थात ये समस्त कथा कॉन्स्पिरेसी एंगल को नजाई कही क्लीन चिट ये पूरा दिव्य संघ बस को बचे ये पक्षपातता कर बड़ कथा जे दिव्य शंकर मिश्र को बचे पुलिस एक प्रकार काम निज आड़ क्लीन चिट दे सीधा साल समस्त अभोग रही है आप देखु छजिया प्रतिनिधिमंडल वर्तमान समय डीजी को भेटा जाऊँगी को विरोध में हाजिर हे डीआईजी को विशेष भाव में वर्तमान समय छजिया प्रतिनिधि दल वर्तमान समय जा कि भाव में आप देखुं छात्र कांग्रेस कर्मी युव कांग्रेस कर्मी सहित वर्तमान समय पुलिस किभली भाव में धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होती कहीं पुलिस पक्षर सीधा साल कह छजिया कर्मी छजिया टीम डीजी को गोटे मेमोरांडम दवापाई जी जो थे उभय कांग्रेस कर्मी को माड़ और डीआईजी प्रेसमिट कर क्लीन चिट दे कथा को ही प्रश्न उठाव पुलिस को विशेषकर प्रश्न कर छजन को जवाक ही अनुमति मिली या भितर छात्र कांग्रेस कर्मी मैंने पुलिस सहित दस्तास्ती करती आज जो नवीन नवास घेराव करने जाते पुलिस उपरक टमाटमाड़ कराइला या भितर एक सामना को आसूँ पुलिस उपस्थित जितेबाला दलय कर्मी मैंने उभय दलय कर्मी मैंने विजु जनता दल कर्मी मैंने सीधा साल कांग्रेस कर्मी को माड़ मारे बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर ये सब जगार चित्र आसला जो निर्धुम माड़ खाई कांग्रेस कर्मी और पुलिस उपस्थित रही पूरा चुप रही विषय में मैंने प्रश्न उठाऊँ यासीर नवाज सहित युव छात्र नेता जी चिन्ह चौधरी अच्छा मनोज बेहरा अच्छा सहित विधायक सुर राउत राय सत्यप्रकाश नायक एमती छजिया टीम बर्तमान समय डीजी को भेटा जाए और मेमोरांडम देते निश्चित भाव में डीजी ऑफिस घेराव करिबा समय रे वर्तमान कांग्रेस रो छजिया कमिटी को वर्तमान डीजी ऑफिस जीवा पाई अनुमति मिली सारी या सहित से मेमोरांडम नहीं जिबे एवं मेमोरांडम रे कौन उल्लेख कराई बाबद आलोचना करिबा रोशन खास करी आज युवक कांग्रेस जो मेमोरांडम डीजी को दबो से मेमोरांडम रे कौन सब पॉइंट उल्लेख करी कांग्रेस
देखो निश्चित भाव में जो मेमोरेंडम थी वर्तमान डीजी कैंप ऑफिस रे दिया जीव डीजी को साक्षात करी कांग्रेस रो 6 जणिया टीम जिबे बोली वर्तमान जहां आलोचना होची एवं आपण देखि पर्थवे ये चित्र वर्तमान सुधा मध्य आलोचना कंप्लीट हेनी एवं पुलिस जणे जणे करी जो 6 जणिया कमिटी जिबे बोली कोआ जाउची जणे जणे करी पुलिस भीतर को छाडुची 6 जणिया टीम जिबे एवं साक्षात करिवे डीजी को एवं गोटे मेमोरेंडम देबे जो मेमोरेंडम रे विभिन्न दाबी ऊपर आलोचना करा जाइची विशेष करी आमे जदि देखिबा जे जो भी भाव में कांग्रेस कर्मी उपर मार्ताधिक कार्यानुष्ठान कर गोटे दाबी रही विभिन्न स्थान में बीजेडी जो भी भाव में आक्रमण करी विरोधी अभियोग रही सठिक भाव में कार्यानुष्ठान होने गोटे दाबी रही अंपटे आम जदि देखा जे जो भी भाव में उत्तरांचल जीआईटी डीआईजी तदंत करवा समय तदंत चली समय क्लीन चिट देते मंत्री को जिते बारंबार अभियोग आसे मंत्री संप्रति रही कि गोटे रायपुर लिंक कथा सामना को आेणु कि भाव में डीआईजी तदन चली भितर क्लीन चिट दे प्रश्न उठाई और सठिक भाव में तदंत कर दाबी रही तेणु ये तमाम दाबी रही तीन चारोटी जो मुख्य दाबी रही बर्तमान डीजी को दिजिव दीर्घ समय धरी आलोचना होता पुलिस जो कांग्रेस कर्मी मैंने बर्तमान आसी प्रथम तो गेट को छड़ा जा ना समस्ते धारणा बसते तापर बर्तमान 6 जणिया कांग्रेस कर्मी को अनुमति मिली जो मैंने बर्तमान जाइंटी को साक्षात करेंगे और ये मेमोरेंडम टी देवे जे जो भी भाव में विशेषकर बर्तमान आप देखिथे गत किछि दिन भितर जो सब स्थान में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हो सब स्थान में मंत्री मान तीव्र विरोध करोटी अंडामाड़ कर तो क्योंकि कला पता प्रदर्शन करोटी ना क्योंकि उत्तेजनामूलक सृष्टि हो किसी किसी स्थान में विरोधी जो मैंने विरोध कर शासक दल किसी कर्मी आक्रमण अभियोग हो तेणु से सब जिनस को दृष्टि रखी स्थान गुड़िकली अभियोग हो देखो तो 6 जणिया टीम रे भुवनेश्वर जिला कांग्रेस रो सभापति विश्वजीत दास अच्छा पीसीसी जनरल सेक्रेटरी रजत चौधरी अच्छा पीसीसी संपादक मनोज विश्वाल अच्छा एवं छात्र कांग्रेस सभापति वयासीर नवाज अच्छा एवं युव कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट किरण साहू अच्छा टीम रही टीम जा डीजी को साक्षात कर मेमोरेंडम टी देव और जो दाबी गुड़िक उपस्थापना कर दाबी उपरे तुरंत डीजी कार्यानुष्ठान नियंतु से नहीं कांग्रेस दाबी करछि जदि आगामी दिन एने पुलिस कार्यानुष्ठान निए निये तेरे आग को विधानसभा आसुच्छे आप जानते हैं यह कड़ा चेतावनी दि जाइए जो भी भाव में बर्तमान नवीन निवास घेरव कर आग को विधानसभा समय स्थित आहुरी भयंकर हो विधानसभा घेरव कर छात्र कांग्रेस चेतावनी दे तेरे रोशन जानवा चाहिए खास करोरांडम कौन उल्लेख कर देखो तो विशेष करी मेमोरेंडम रे जो कथा आप देखुथे जे विभिन्न स्थान रे जो भली भाव रे बड़ जिनस होची विरोधी को ऊपर जो भली भाव रे आक्रमण होची ता ऊपर सठिक तदंत दाबी करा जाइछि कारण जो कथा मु कहतली मुख्यमंत्री दुईट कार्यक्रम आप देखिथे गोटे हूँ कलाहांडी जिले में आ गोटे हूँ बरगढ़ जिले में जो दुईट कार्यक्रम होता जो मैंने बीजेपी और कांग्रेस कर्मी मैंने कला पता प्रदर्शन करते विरोध प्रदर्शन पर उद्यम करते से समस्त को क्योंकि माड़ मरा जाता तो क्योंकि पुलिस उठाई ना विशेषकर विभिन्न स्थान में यह अभियोग आसला जे पुलिस प्रेजेन्स बीजेडी कर्मी मैंने कांग्रेस उपर आक्रमण करती पुलिस बीजेडी कर्मी कौन कार्यानुष्ठान नौ ना बोली तेणु जो मैंने भी एप्रत अच्छा कड़ा कार्यानुष्ठान नापी गोटे दाबी रही अंपटे जदि आम देखा जो डीआई उत्तरांचल डीआईजी तदंत प्रक्रिया को नहीं प्रश्न उठाई कांग्रेस समय चित्र देखुचे रोशन जो मैंने प्रतिवाद कर कांग्रेस कर्मी हूँ बीजेपी कर्मी तो समस्त कि मणात्मक आक्रमण कर खास करी बीजेडी कर्मी करुछंती पुलिस उपस्थित रे जहाँ दिन कु दिन आहुरी असंतोष बढ़िबार लगी परवर्ती समय आप आसबी संतोष उपस्थित अच्छा संतोष खास करी जे वर्तमान कांग्रेस कर्मी युवक कर्मी माने कौन आशा रखुछंती जे आशा अच्छी डीजी अभियोग शुणिबे आई कि पदक्षेप ने बोली देखो तो विरोधी मानकर सीधा सड़क अभियोग पुलिस सरकार को अनुसार काम करुच्चे आप देखूँ डीआईजी प्रेसमिट्रे हटात जितेबाला मुख्यमंत्री गस्त पूर्व अभियोग है ममिता मेहर प्रसंग को लेकिन मुख्यमंत्री को टार्गेट करा लोके अभियोग कले जे मुख्यमंत्री बरगढ़ आसले सत आम कहीं देखा पालूनी सीधा सड़क मुख्यमंत्री को अभियोग कराला सरकार मंत्री और विजु जनता दल नेता मान जो भाव में अंडामाड़ कराला कला पता प्रदर्शन कर ममिता मेहर प्रसंग को टार्गेट कराला हटात डीआई
आईजी निजे सांगे सांगे प्रेसमिट करुछंती। केवल दुई जण अभियुक्तक छडा आउ कोनोसी भी लोक एहा भितरे कोनोसी प्रकार संबंध नथिया कथा कहउछंती एवं सीधा सडक राजनीतिक दल मानकर अभियोग जदि संबंध नथिला ताले शिशु आयोगक नै शिशु आयोगक ठु नै वर्तमान जो तथ्य प्रमाण सब सामना रे लागिछि जे बेआइन भाबरे हॉस्टल चलीथिला सेठी अनुमति किए काहाकु दउथिला एवं सेठी सरकारी अर्थ को किभळी भाबरे सेठी प्राइवेट अनुष्ठान को दान कराउथिला ये सब अभियोग आसला परे केबे भी गोटे जो कथा को नै कि अभियोग होउछि जो कथा को नै कि संदेह उपजुछि से प्रसंग को नै कि पुलिस केबे भी तदंतर दिग देखिला नै एवं सीधासळक ममिता प्रसंग रु किभळी भाबरे मंत्री को भळी बड़ बड़ लोक को क्लीन चिट दिया जिवो से व्यवस्था करागला एवं डीआईजी को प्रेसमिट परे विशेष भाबरे पुलिस उपर समस्त भरोसा तुटेछंती एवं बड़ कथा होउछि मुख्यमंत्री को गस्त समय जितेबाला विजु जनता दल कर्मी मैंने समर्थन में बाहर सेमती बीजेडी क्षमा करेंगे बीजेपी कांग्रेस एमाने समस्ते विरोध में बाहर कला पता प्रदर्शन करुँच सांविधानिक व्यवस्था भितर समर्थन कथा अच्छी विरोध कथा अच्छे किंतु विरोध कहीं करा विरोध को किभली भाव में सामना नक जो भाव में बरगढ़ पुलिस निजे समस्त को अभियोग विरोध किए करना कला पता किए देख पारना आउ किसी समय अपेक्षा कर यह एक धमकपूर्ण कथा एवं पुलिस उपस्थित रे कांग्रेस कर्मी मान माड़ हाँ पुलिस किसी न कहवा मामला रुजू करा ना ये कथ को नहीं कि राजनैतिक दल मैंने सीधा सड़क पुलिस को टार्गेट करुँच प्रसंग में आज कांग्रेस आलाबल कर नवीन निवास घेराव करने सहित डीजीपी कैंप ऑफिस को आसी गोटे मेमोरांडम देवाई छजिया प्रतिनिधिमंडल जाते दाबी रही डीआईजी जो भी भाव में तरबरिया भाव में सरकार सुपारिश में प्रेसमिट कर समस्त को क्लीन चिट कर अति कम्रे पुणि थे तदंत परिसर भुक्त कराऊ ना अलग कौन एजेन्सी मध्यम पुणि थे ममिता प्रसंग भाई संवेदनशील प्रसंग में तदंत करा सहित बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा जो भी भाव में कांग्रेस कर्मी को माड़ होती पुलिस उपस्थित रे पद पदवी दायित्व विजु जनता दल कर्मी मैंने जो माड़ मारी से विरोध में खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान अति कम्रे से विरोध में मामला रुजू कर सीसीटीवी आधार से आइडेंटिफाई कर मोबाइल भिजुआल जो गुड़िक आसना को ताकि आइडेंटिफाई कर जो मैंने भी माड़ मारी जो मैंने भी हिंसा पथ आपणई से कार्यानुष्ठान नियागले आगामी दिन में पूर्व कांग्रेस जो कथा स्वीकार करता जे जो माड़मरा राजनीति आक्रोशमूलक राजनीति कांग्रेस जो भाव में राज्य सफा होता विजु जनता दल पक्षर जदि से भाव में कौन पंथा अपना जाए आगामी दिन में साधारण लोके विजु जनता दल को भी प्रत्याख्यान करेंगे कांग्रेस चेतावनी देती केवल एति चेतावनी नुह आगामी दिन में कौट भी कांग्रेस कर्मी को माड़ मारे राज्यव्यापी से तार प्रतिफलन देखा राजधानी टू नहीं पूरा ग्राउंड लेवल जाए जो भी विजु जनता दल कर्मी को देखिए से सीधा सड़क एथर अटाक को काउंटर आटाक दे सीधा सड़क चेतावनी देते किंतु ये घटना भितर जदि पुलिस ये घटना उपरे रोक न लगाए जदि कौन प्रकार से चेक देवाई जो मैंने भी आक्रोशमूलक पंथ आपणई जो मान हिंसा आपणई से जदि गिरफ्त करा न जाए हे तो आग को राजनैतिक दल मान भितर गोटे परिस्थिति एमती उपजीव जो परिस्थिति पुलिस दायी रही है और समस्ते समस्त लोक स्वीकार करहण करना कि कथा संतोष जे किछि दिन तले बा दिने दुई दिन तले आपण जानिथिबे जो भली भाबरे बीजेडी एवं कांग्रेस मध्यरे फोटो वार चलिला एवं पूरा घटना को गोटे डाइवर्ट मोड को बीजेडी नेला एवं वर्तमान देखंतु एभली भाबरे तले विरोधी को ऊपर आक्रमण होउची ये कथा जाय कि वर्तमान सामना को आसुची जे जेतेबेले आक्रमण जो माने करूछन्ते बीजेडी कर्मी सेमानन को ऊपर एक्शन हो सेमानन को ऊपर कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जाउ पूरा घटना को गोटे भिन्न मोड़ हिसाब से देखा जाऊनी जे वास्तविक कि पूरा आम मूल कथा जे ममिता न्याय प्रसंग किंतु अनेक ये दिगरे अनेक कथा सामना को आसला किंतु ममिता न्याय प्रसंग जो से रही देखो निश्चित चिन्मयी ममिता प्रसंग में जो पुलिस उपर अति कम्रे समस्त भरोसा था एवं ममिता प्रसंग एभली संवेदनशील प्रसंग थिला डीआईजी दीपक कुमार निजे केस्र आयो भाया काम करुते आशा कराला सरकार को उपर एत प्रेसर अच्छी राज्यव्यापी ममिता ताती एत देखा जे निजे डीआईजी केस्र आयो भाव में तदंत करुँच घटनास्थल को जी फिल्ड भिजिट करवा रिमांड आणवा सीन रिक्रिएसन करवा ये सबू स्थान डीआईजी एसपी को देखा मिलता एवं कहुला एसपी निजे आयो साजिंट
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଆଇଜି କେସ୍ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସୁପରଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣିବା କଥା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ କେବଳ ମର୍ଡର ଏବଂ ମର୍ଡର ସିନ୍କୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ବେଆଇନ ଭାବରେ ବେଆଇନ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଉ କେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ସିଲ୍ କରାଯାଉନି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଗଲା ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଏମିତିକି ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସବୁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯିବା ସହିତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସେ ଡିଆଇଜି ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କଥା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରାନ ହୋଇଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇପାରୁନି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉନି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ଜଣେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜି ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ର ଧମକ ମିଳୁଛି, ଏହା ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଡିଆଇଜି ଆଇଓ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏସ୍ପି ଯିବା, ଡିଆଇଜି ଯିବା, ପୁରା ତଦନ୍ତକୁ କେମିତି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଉପରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ପୋଲିସ ଆପଣ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର ଯେଉଁଭଳି ଆଗତରା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ କେକ୍ ଦିଏ କୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳିଆ ବସି ଦଳୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭୟ କୁମାର ଯିଏ ଆମର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ କଳା କୁନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ଆଖି ଖୋଲି ଦୀପଦ କହିବେ ତାଙ୍କ ନବୀନ ଆଉ ରାତାରାତି ବିଦା କରିଦେବେ। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଡିଜିଙ୍କର ରାତାରାତି ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, ଅଭୟ କୁମାର ସେ ଭୟରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭୟ କୁମାର, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରି ଅଭୟ କୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ, ପୋଲିସ ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚିନ୍ମୟୀ, ପୋଲିସକୁ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଲ୍ଲାବୋଲ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଡିଜିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବେ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଯେ ଡିଜି ଏ କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ରୋଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମତକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।